इस गेम के थ्रू इंसान पैरानॉर्मल दुनिया में जा सकती है, मतलब आप समझ सकते हो ना कि जो भूतों की दुनिया है वहां पे मैं आज फाइनली जाने वाली हूँ। उसको मत देखो रिया दी, रेड डोर, येलो डोर, एनी अदर कलर। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से और एक बहुत ही ज्यादा डरावना एक गेम खेलने वाली हूँ, और आज भी मेरे साथ राइमा है, क्योंकि इस गेम को खेलने के लिए दो लोग चाहिए होगा। जिस गेम के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ ना, उस गेम का नाम है द रेड डोर येलो डोर गेम। सो इस गेम के बारे में तो मुझे बहुत पहले से ही पता था, लेकिन कभी भी मैंने ना उतनी डिटेल में जाके कभी भी नहीं सुना। लेकिन आज जब मैंने इस वेबसाइट से इस गेम के बारे में सब कुछ जाना ना गाइस, आप सोच भी नहीं सकते कि ये गेम कितना ज़्यादा डरावना है। क्योंकि इस गेम को खेलते हुए जो भी इस गेम को परफॉर्म करेगा उसकी डेथ हो सकती है उसी टाइम, या तो वो जिंदगी भर के लिए कोमा में भी जा सकती है। तो इस गेम को खेलने से पहले मैं आपको इस गेम का जो रूल है वो बताऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावना है गाइस। मतलब मैं जब इसको देख रही थी ना, मुझे इतना ज़्यादा डर लगा और मैं सोच रही थी कि मैं इस गेम को खेलूँ या ना खेलूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से पॉजेस्ड हो जाऊंगी। एक होगा गाइड और दूसरा होगा सब्जेक्ट। अब इस गेम को खेलने के लिए मैंने राइमा को एज अ गाइड लिया है और मैं होंगी सब्जेक्ट। तो आज मैं उस दूसरी दुनिया से कनेक्ट करने वाली हूँ। मैंने इस तरीके का गेम कभी भी नहीं खेला है। मैंने जो भी खेला है ना, मैं आप लोगों के सामने, चाहे वीजा बोर्ड हो या फिर चार्ली चार्ली ब्लू बेबी, ऐसे बहुत सारे गेम्स खेले हैं, लेकिन उस टाइम पे ना मेरी आँख खुली रहती थी। लेकिन इस गेम पे मुझे पूरी तरीके से सोना है और मुझे विजुअलाइज करना है ऐसा कि अगर कोई डोर दिखे। इस गेम के थ्रू इंसान पैरानॉर्मल दुनिया में जा सकती है, मतलब आप समझ सकते हो ना कि जो भूतों की दुनिया है वहाँ पे मैं आज फाइनली जाने वाली हूँ। मतलब मुझे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा भी नहीं है कि ये मतलब ये गेम कितना सच है या फिर कितना झूठ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस गेम को खेला है। अगर आप यूट्यूब पर भी सर्च करते हो ना, तो आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर यूट्यूबर्स हैं ना, उनको ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी हुई हैं और ऐसे लाइव आप देख सकते हो उनको। मतलब ये सब देख के ना मेरे तो रोंगटे खड़े हो चुके हैं, और मुझे ना बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि गाइड अगर ठीक से गाइड नहीं कर पाया तो सब्जेक्ट उधर पे ट्रैप भी हो सकता है या उधर पे इंस्टेंट डेथ भी हो सकता है। तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर मैं ठीक से गाइड नहीं कर पाऊँ तो रियादी शायद उधर ट्रैप भी हो जा सकती है। हाँ गाइज, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अगर जितने भी डोर हमें दिखेंगे ना, उस डोर के अंदर अगर मुझे सेफ ऐसा फील नहीं हुआ, अगर वैसे किसी दरवाजे के अंदर मैं चली गई और वहाँ पे मुझे बहुत सारे क्लॉक्स दिखा, तो इसका मतलब वो डेंजर की साइन है। और ऐसा भी हो सकता है कि उस रूम पे एंटर करते ही वो उस रूम का जो दरवाजा है ना वो गायब हो सकता है, और अगर गायब हो जाता है आप कभी तो मैं कभी भी उस दुनिया से अपनी दुनिया में कभी भी वापस नहीं आ सकती। अगर सब्जेक्ट को कोई ब्लैक सूट पहना हुआ आदमी दिख जाए तो गाइड को उसी समय सब्जेक्ट को शेक करके उठा देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत डेंजरस माना जाता है इस गेम पे। हाँ, क्योंकि वो जो इंसान हमें दिखेगा ना ब्लैक सूट में, वो हमें मार भी सकता है, मतलब मुझे मार भी सकता है। और हाँ, और एक रूल है, अगर आपको कोई लाइटर कलर की कोई रूम डोर दिखे, अगर कोई लाइट कलर का डोर दिखे तो उस डोर में नहीं जाना है, क्योंकि वो सेफ है। सेफ ही तो है ना। हाँ, वो सेफ है। अगर आपको कोई डार्क कलर का रूम दिखता है तो उसमें ही जाना होगा इस गेम पे। और जब मैं उसके गोदी में लेटी रहूंगी ना, तब उसको ना मेरे सर पे ऐसे मसाज करते रहना है और कहते रहना है कि रेड डोर, येलो डोर, एनी अदर कलर डोर। यस। सो चलो अभी इस गेम को जल्दी से स्टार्ट करते हैं गाइस। अब अभी देखो आप टाइम, ऐसे ऐसे करते रहना है तुमको और कहना कि रेड डोर, येलो डोर, एनी अदर कलर डोर, ठीक है। और जब भी मेरा हाथ ऐसे गिर जाए तब समझ लेना कि मैं उस रूम पे एंटर कर चुकी हूँ। रेड डोर, येलो डोर, एनी अदर कलर डोर, 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 रेड डोर, येलो डोर, एनी अदर कलर डोर,
रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर रेड डोर येलो डोर एनी अदर कलर डोर क्या दिखाई दे रहा है सामने बहुत ही अंधेरा है कोई दरवाजा दिख रहा है क्या सामने हाँ हाँ कौन सा कलर का है पर्पल कलर का डोर है ठीक है उस रूम पे घुसो बहुत ज्यादा अंधेरा है और क्या है कुछ दिखाई दे रहा है उस रूम पे बहुत पुरानी एक हवेली है क्या दिख रहा है उस रूम पे मैंने इस दरवाजे को खोला कोई है उस रूम पे नहीं कोई नहीं है ठीक है फिर आगे बढ़ो धीरे धीरे आगे बढ़ो हाँ और कोई दरवाजा दिख रहा है सामने हाँ बहुत सारे कौन से कलर का दरवाजा दिख रहा है रेड और कुछ दिख रहा है हाँ कौन से कलर का ब्लू और येलो डोर रेड वाला दरवाजा ओपन करो बहुत पुरानी हवेली है रेड वाला दरवाजा को ओपन करो मैं चल के जा रही हूँ धीरे धीरे चलते चलते जाओ हाँ अभी उस दरवाजा को ओपन करो जो कि रेड कलर का है हाँ मैंने अभी उस दरवाजे को ओपन किया अच्छा क्या दिख रहा है सामने बहुत अंधेरा है हाँ बहुत ही बड़ा एक बॉक्स है वहाँ पे अच्छा और कोई नहीं है उस बॉक्स को एक बार ओपन करो धीरे धीरे मैं धीरे धीरे वहाँ पे चल के जा रही हूँ बहुत ही धीरे धीरे चलते चलते जाओ और उस बॉक्स को ओपन करो और हाँ क्या है उस बॉक्स क्रो उड़ रहा है माय गॉड क्रो उड़ रहा है वहाँ पे ठीक है तुम पीछे हट जाओ और धीरे धीरे चलते चलते आगे बढ़ो मैं उस रूम से अभी बाहर बाहर, बाहर जा रही हूँ बाहर निकले हो हाँ अभी सामने क्या दिख रहा है सामने एक सीढ़ी है ठीक है सीढ़ी पे चढ़ो बहुत ही धीरे धीरे मैं उस सीढ़ी से ऊपर जा रही हूँ बहुत ही धीरे धीरे चलो हाँ मैं जा रही हूँ धीरे धीरे सीढ़ी से और यहाँ पे चलो हाँ क्या दिख रहा है सामने यहाँ पे एक डोर है कौन से कलर का बहुत अंधेरा है कलर दिखाई दे रहा है कौन से कलर का डोर ब्लैक 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 कलर का डोर ब्लैक कलर का एक डोर है ठीक है उसको बहुत ही धीरे धीरे ओपन करो मुझे बोले सेफ नहीं लग रहा ठीक है कोई बात नहीं है तुम आगे बढ़ो और उस ब्लैक वाली डोर को ओपन करो धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करो नहीं डर लग रहा है मुझे आसपास में कुछ ऐसा हो रहा है क्या आसपास में कोई एक्टिविटीज हो रहा है जिससे तुम डर रहे हो आई थिंक कोई है यहाँ पे दरवाजे मुझे किसी की आहट सुनाई थी कैसे आहट था वो फुटस्टेप सुनाई दे रहा है अभी भी सुनाई दे रहा है क्या नहीं अभी तुम सीढ़ी से उतर जाओ बहुत ही धीरे धीरे उतरो हाँ एकदम धीरे धीरे उतरो कोई हड़बड़ी नहीं है हाँ मैं उतर रही हूँ अच्छा और क्या दिख रहा है सामने नीचे मकड़ी का जाल मैं नीचे आ चुकी हूँ
अच्छा, क्या दिख रहा है अभी सामने? सामने एक हॉलवे हॉलवे है। अच्छा, फिर और आगे बढ़ो, शायद वहाँ पे कोई है। कोई दिखाई दे रहा है तुमको? कोई है? हाँ कोई है। उन लोगों को देखो भी मत, उन लोगों को इग्नोर करो और तुम आगे बढ़ो। कोई औरत? उन लोगों को मत देखो। मैं नहीं देख रही। आगे बढ़ते जाओ, मत देखो, मत देखो। मुझे ऐसा लग रहा है वो मेरे पीछे है। ऐसे सोचो भी मत, तुम आगे बढ़ो, उन लोगों को इग्नोर करो, आगे बढ़ो। मुझे डोर दिख रही है तो। अच्छा, कौन से कलर का डोर दिख रहा है सामने? स्काई ब्लू और डार्क, बहुत डार्क ब्लू। अच्छा, तुम डार्क ब्लू वाला रूम को एक बार ओपन करो। हाँ, वो सेफ नहीं है शायद। ओपन करो बहुत ही धीरे धीरे। हाँ, मैंने ओपन कर दिया है। अच्छा, क्या दिख रहा है रूम के अंदर? बहुत सारे क्लॉक्स। क्लॉक्स दिख रहा है दीवार पे? बहुत सारे क्लॉक्स दिख रहा है। निकल जाओ उस रूम से, निकल जाओ उस रूम से, अभी निकलो। मुझे डर लग रहा है। उस रूम से अभी निकलो, उसके दरवाजा ढूंढो। हाँ। और अभी निकलो उधर से। मुड़ गए हो? हाँ, कोई है वहाँ पे। उसको इग्नोर करो, उसके आंखों में मत देखो, उसको पूरा इग्नोर करो, आंखों पे मत देखो। डर लग रहा है मुझे। तुम आगे बढ़ो, उसको मत देखो, और भी आगे बढ़ो, और भी कोई रूम दिखाई देगा तुमको, आगे बढ़ो। हाँ, पर्पल डोर। अच्छा, उसको ओपन करो। पर्पल डोर में ओपन करो। हाँ, मैंने कर लिया है। अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है उसके अंदर? अभी कोई वहाँ पे बैठा है, चेयर पे। कैसे ड्रेस पहना हुआ है वो? सफेद। ठीक है, उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो, उसकी तरफ देखो मत, उसको इग्नोर करो। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, मैं बढ़ रही हूँ। अच्छा, सामने अभी क्या दिखाई दे रहा है? फिर से एक डोर। कौन से कलर का? येलो डोर। ओपन करो उसको। हाँ, क्या दिख रहा है? ओ माय गॉड, क्या दिख रहा है? वो ही इंसान। कौन सा इंसान? नहीं, कौन सा इंसान? क्या स्पिरिट है, ब्लैक सूट में। उसको मत देखो। रिया दी, रिया दी। हाँ, रिया दी। हाँ, उठ जाओ। गॉड, क्या था वो? मैंने देखा उसको। माय गॉड, कैसे दिखता था वो? वो बिल्कुल ब्लैक सूट में था, देखो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल ब्लैक सूट में एक, मतलब मैं, मुझे ना अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ। मैं बिल्कुल वहाँ पे चली गई थी और मुझे ना ऐसा लगा कि वो जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट मुझे मारने आ रहा है। अगर मैं तुमको ऐसा शेक नहीं करती ना, तो शायद तुम ट्रैप हो जाते उधर। सो गाइस, पूरे आधे घंटे बीत चुके हैं। मैं पुराना एकदम सगमे में जा चुकी थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लगा वहाँ पे। पूरा अंधेरा रूम था, पता नहीं बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और ऐसा फील हो रहा था। जब मैं वहाँ पे गई ना, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, मुझे कुछ भी ऐसा नेगेटिविटी फील नहीं हुआ। लेकिन जब भी मैं उस डोर को ओपन किया, पहला डोर, तब से लेके मुझे बाद में मुझे इतना ज़्यादा डर लगा। वो इंसान को मैंने देखा, बिल्कुल ब्लैक बैंडेज टाइप का होता है ना वो, जो मतलब सूट तो ब्लैक था ही, लेकिन पूरा एकदम ब्लैक बैंडेज किया हुआ था उसके मुंह पे। रियली? हाँ, और ऐसा ही साइट पे लिखा हुआ था कि वो बिल्कुल ब्लैक कलर में होगा। मुझे ऐसा लगा कि वो ना मुझे मारने आ रहा है अभी, मतलब सही टाइम पे शेक किया था। सो गाइस, इस गेम को खेलने से पहले आप लोग प्लीज बहुत अच्छे से देख लेना, और मैं तो ये कभी भी नहीं आप लोगों को बोलूंगी कि ये गेम आप खेलो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की है। क्योंकि एक बार वहाँ पे कोई अगर फंस जाता है ना, तो वहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा, मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, आप निकल ही नहीं पाओगे वहाँ से, कोमा पे चले जाओगे। कभी मत ट्राई करना इसको।
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को मिनिमम 5K लाइक्स तो कर ही देना, और मैं मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.